रात का सबसे ज्यादा अंधकार का पहर भोर से पहले ही आता है। ये अंधेरा हमें डरा के छुपने को मजबूर भी कर सकता है या फिर उम्मीद और उमंग से भी भर सकता है कि दिन नजदीक है। जिस दिन हम उम्मीद का दामन छोड़ते हैं, हम अंधकार में डूबने लगते हैं। उम्मीद भी खोखली नहीं करनी, उम्मीद को आस्था में बदलना है। वो देखना है जैसा हम अपनी जिंदगी में घटित होते देखना चाहते हैं, और उसके लिए जो भी मेहनत करनी हो उसे करने में तत्पर हो जाएं हम। जीवन तभी सफल होगा। ध्यान के अनेकों लाभों में एक लाभ ये भी है कि हम हर स्थिति को उम्मीद के चश्मे से देखते हैं। ध्यान की शांत स्थिति में रोज बैठने से हमें कई ऐसे अनमोल विचार और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जो दुनिया के काम में घिरे रहने से सुनाई नहीं देती। तो बिना वक्त जाया किए ध्यान में बैठते हैं। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कुर्सी पर या जमीन पर। ध्यान रहे कि कमर हमेशा सीधी रहे, आंखें बंद कर लें, चेहरे पर एक मंद मुस्कान रखें और ध्यान अपनी सांस पर ले जाएं। एक लंबी गहरी सांस भरें और उसे अब रोकें। अब धीरे से इसे मुंह से छोड़ें। हर सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला करते जाएं, पैरों को हाथों को ढीला छोड़ते जाएं। दोबारा एक लंबी गहरी सांस लें जो पूरी छाती में, पीठ में, कंधों में, पेट में, सब जगह जा रही है। इसे रोकें और मुंह से छोड़ें। जबड़े को ढीला छोड़ दें, गर्दन सीधी कर लें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें, इसे पूरे शरीर में पहुंचने दें, मस्तिष्क में, चेहरे में, हथेलियों में। अब सांस मुंह से छोड़ते हुए इस हिस्से को भी पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में जाने दें। विश्राम, विश्राम, विश्राम। शरीर में देखें कि कहीं और तनाव तो नहीं है। अगर कहीं भी किसी तरह का भारीपन, रुकावट महसूस हो रही हो तो उस जगह लंबी गहरी सांस लें और हर सांस के साथ उस रुकावट को पिघलते हुए महसूस करें। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और सांस पे ध्यान देते रहें। अपने आप सांस अंदर और बाहर जा रही है। देखें कितना शांत होते जा रहे हैं आप, कितना शिथिल हो चुके हैं। अपने आसपास बह रही हवा को शरीर पर महसूस करें। देखें किस तरह से आपका शरीर इस पल में एकचित हो गया है और सारी इंद्रियों को आराम मिल रहा है। ऐसा आराम जिससे जब ये वापस काम करने लगेंगी तो और साफ और बेहतर दिखेंगी। उन सारी बातों को जो आपके जीवन को खुशनुमा रास्ते पर ले जा सकेगा। इसे देखकर आप आभार और प्रेम से भर जाइए। लंबी गहरी सांस लें और अब कुछ ऐसे वाक्यों को, ऐसी परिस्थितियों को अपने दिमाग में आने दें जहां किसी व्यक्ति ने वो हासिल किया जो समझ के परे था। कितना अनोखा होता है वो पल जब आप सबके हताश करने वाले विचारों से ऊपर उठते हैं और अपनी जीवन गाथा खुद लिखते हैं। इन सब लोगों को कभी ना कभी किसी ने जरूर हतोत्साहित किया है, मगर ये उसे सच नहीं मानते। उसी शक्ति को अब खुद में भरने दीजिए। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए एक नए मनोबल, आत्मविश्वास को अपने अंदर आने दें। स्वागत करें इसका। हम सारे मानव एक समान हैं। कोई अच्छा गाता है, पर गला तो सबके पास होता है। फर्क सिर्फ इस्तेमाल और अभ्यास का है। इस सिद्धांत को मानते हुए जानें कि आपकी मंजिल कोई भी हो, आज सिर्फ एक पहला कदम उस दिशा में पूरी सकारात्मकता से लें, एक छोटी सी उम्मीद से। मन में मंजिल का अंत देखें। यकीन करें कि जो शक्ति सबके लिए वो साधन उपलब्ध करवा रही है जिससे उनके सपने साकार हो रहे हैं,
वही शक्ति आज से मुझ में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। लंबी गहरी सांस लें, सांस को रोकें और संकल्प करें, मैं असीम हूँ और हर खुशी का हकदार हूँ। सांस छोड़ें और सब नकारात्मक विचारों को खुद से दूर जाने दें। इसे दोबारा खुद करें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए सारे नकारात्मक विचारों को खुद से दूर जाने दें और दूर जाने दें। हमें आज बैठकर अंत तक का रास्ता नहीं तय करना, हमें केवल उम्मीद और आस्था बनाए रखनी है जब तक हम वहां पहुंच ना जाएं। आज केवल हमें तीन ऐसी चीजें ढूंढनी हैं या करनी हैं जो हमें हमारी मंजिल के पास ले जाएं। हमें सिर्फ इन तीन चीजों को उम्दा ढंग से करना है, चाहे इसमें एक अच्छी रात की नींद लेना हो या किसी से मार्गदर्शन लेना हो। ध्यान दें कि आज आपको ऐसा क्या करने से फायदा होगा। सांस लेते रहें और विचारों को नियंत्रित करते रहें। उम्मीद एक ऐसी रोशनी है जो घने से घने अंधकार में आपका मार्गदर्शन करती है। ये मानना आपके लिए जरूरी है कि जिस तरह एक बुरी घटना अचानक से घटती है, उसी तरह एक अच्छी घटना भी रूप ले सकती है। तो याद करें वो सारे वक्त बचपन के बड़े होते हुए, जब आप विजयी हुए थे, जब आपने छोटे छोटे काम पहली बार करे और सफल हुए। वही दिव्य शक्ति अब भी, आज भी आप में चल रही है। लंबी गहरी सांस लें और इसे कुछ पल के लिए अपने में समाते हुए देखें। अब अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आए। एक नए आत्मविश्वास, एक नए आचरण को खुद में आने दें। हर दिन आपको एक नई उम्मीद और दूरदर्शिता की शक्ति दे रहा है, इसे देखने के लिए बस जागृत रहें। अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और इन्हें अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। स्वागत है